श्री राम जी के पैर धोने के लिए केवट जी क्या लाए हैं? लकड़ी का छोटा सा कठोता। पहले लकड़ी के पात्र बर्तन हुआ करते थे, कठोता उसे बोलते हैं। कि कहते हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि मन में हो गंगा तो कठोती में गंगा, मन हो चंगा तो कठोती में गंगा। तो छोटा सा कठोता केवट जी ले आए। अब उसमें भाई क्या होता कि बड़ा सा बर्तन लेके आते जिसमें भगवान जी अपने दोनों पांव रख लेते, धो लेते, परात लेके आते। क्या लेके आए हैं केवट जी? छोटा सा कठोता, ताकि राम जी के संग ज्यादा समय उनको रहने को मिले, वो बार बार लाके पांव धो पाए। अब क्या करते हैं, बड़ा अच्छा दृश्य है, देखिए। केवट जी कठोते में पानी भर के लेके आते हैं, उसमें श्री राम जी का एक पांव आ सकता है, तो एक ही पांव धोने लग जाते हैं। फिर वो उस कठोते को पानी पी लेते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर पानी लेके आते हैं, दूसरा पांव धोने लग जाते हैं। अब जब दूसरा पांव धोने लगे तो पहला पांव कहाँ रख दिया? जमीन पर, बालू में रख दिया। नदी के किनारे क्या होती है? बालू। तो वो पांव फिर गंदा हो गया, उस पर फिर बालू लग गई। केवट जी गए, फिर पहला पांव वापिस धोया, लेकिन दूसरे पांव में बालू लग गई। इस प्रकार केवट जी पानी पीते रहे, 7 बार उन्होंने यह प्रक्रिया की और पानी पीते रहे, क्योंकि यह प्रभु के चरणों का जल है। अब श्री राम जी ने कहा, भाई ऐसे तो कैसे होगा, ऐसे तो पांव गंदे होते रहेंगे। और तो केवट ने कहा, एक काम करिए प्रभु, मैं कठोता लेके आऊंगा, एक पांव को आप रखना कठोते के अंदर, रखना पानी के अंदर, और दूसरे पांव को मेरे हाथ के ऊपर रखना, मैं अपना हाथ नीचे बिछा दूंगा। अब ठीक है, प्रभु जी ने कहा ऐसे ही कर लेते हैं। श्री राम जी बड़े सरल हैं, सरल भक्ति को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। तो केवट जी ने एक हाथ जमीन पर रखा, हाथ फैला के, तो प्रभु ने अपना एक पांव साफ करने के बाद केवट जी के हाथों पर रख दिया, दूसरा पांव कहाँ है? कठोते के अंदर। अब उससे क्या हुआ कि प्रभु जी का बैलेंस हिलने लगा कि गिर ना जाए। तो केवट ने कहा कि हे प्रभु जी, आप अपने दोनों हाथों को मेरे सर पर रख के सहारा ले लीजिए। केवट जी ने भगवान जी के दोनों हाथ अपने सर पे रखवा लिए। क्या बात है, केवट के हाथ दोनों चरणों में लगे हुए हैं और रघुनाथ जी के हाथ केवट जी के सर पर हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि भगवान भक्तों को सहारा देते हैं। ये दृश्य देखिए जिसमें एक भक्त ने भगवान को सहारा दिया कि भगवान ना गिर जाए कहीं।